बाबरपुर वार्ड निगम पार्षद कुसुम तोमर ने श्री गोवर्धन पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं और स्टाफ के साथ मिलकर अपने वार्ड में प्लास्टिक मुक्त भारत जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली में स्कूल प्रबंधक विष्णु शर्मा, विद्यालय की प्रधानाचार्य संगीता रानी के साथ स्कूल स्टाफ शामिल रहा। विद्यालय के प्रबंधक विष्णुदत्त शर्मा ने अतिथियों को तिरंगा का बैच लगाकर सम्मानित किया। इस रैली को बाबरपुर वार्ड के सड़कों और गलियों से होकर गुजारा गया ताकि जनता देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जारी इस मुहिम की भागीदार बन सके और आने वाले जीवन पर मंडराते खतरे को टाल सके। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से निरंतर जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है और हमारा शरीर अनेकों बीमारियों के साए में घिरता जा रहा है। निगम पार्षद कुसुम तोमर ने कहा कि हमने अभी इसको पूरी तरह जागरूकता के माध्यम से बंद नहीं किया तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया है सभी देशवासियों से कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो देश के पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसको बंद किया जाए, उसका इस्तेमाल बंद किया जाए, क्योंकि वो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी नहीं है, उपयोगी नहीं है किसी भी तरीके से, तो उसको बंद करा जाए। उसी को लेकर आज ये गोवर्धन पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, इनके साथ मिलकर हम लोगों ने एक जागरूकता रैली निकाली है ताकि लोग जागरूक हो और प्लास्टिक का यूज करना बंद करें। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्कूल के बच्चे हाथों में बैनर लेकर अपने क्षेत्र की जनता को प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्लास्टिक मुक्त भारत के नारे लगाकर गली गली सड़क सड़क जनता को जागरूक करते चल रहे हैं। स्कूल ने भी इस अभियान में निगम पार्षद कुसुम तोमर का पूरा सहयोग किया क्योंकि स्कूल के माध्यम से बात जनता के साथ साथ हर घर तक पहुँचती है। देखिए, मोदी जी का एक संकल्प है और आज बढ़ते हुए इस पर्यावरण में जल और जीवन पर बहुत बड़ा संकट है। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है और उसी जयंती पर हमने अपने माननीय निगम पार्षद श्रीमती कुसुम तोमर जी से अनुरोध किया कि वो अपना कीमती समय हमें दें और हम बच्चों के साथ एक जागरूकता रैली निकालें और इस अभियान को आगे तक बढ़ाए। ये जो पॉलिथीन यूज कर रहे हैं अभी ये लोग भ्रम में है, अब ये धीरे धीरे उसको हटा रहे हैं और प्लास्टिक के थैले को लेकर आ रहे हैं। अब इसमें आज का जो कलाम जी को नमस्कार कर रहे हैं, उनके जन्मदिन को बहुत बहुत बधाई। और आज जो हमारी कुसुम निगम पार्षद जी जो हैं, इनका मुझे ऐसा लगता है एक दूसरा नाम है, एक नई सोच नई पहल, हर एक सुबह मतलब एक नई पहल लेके आती है। देश के लिए प्लास्टिक बहुत खराब है और हमारी कुसुम बहन जी का यही कहना है कि देश अच्छा, भारत अच्छा तो सब अच्छे। श्रीमती कुसुम तोमर जी ने यहाँ कीमती समय दे के क्षेत्र में अपना समय निकाल के और पदयात्रा करी, लोगों को जागरूक किया, इसके लिए इनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं क्षेत्र के सभी लोग जागरूक हों और प्लास्टिक को पूर्ण रूप से बंद करें। प्लास्टिक के दुष्परिणाम भी इस रैली के माध्यम से बताए गए क्योंकि प्लास्टिक के कारण वातावरण तो दूषित हो ही रहा है, साथ ही प्लास्टिक जल को भी जहरीला बना रही है। वैसे वन टाइम यूज प्लास्टिक पर सरकार की तरफ से भी पूरी तरह प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक यह प्रतिबंध कारगर साबित नहीं होगा। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।